नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान एकतर महंगाई को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दो वीडियो जारी किए हैं। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस ने संसद में अगले सप्ताह मौजूदा आर्थिक हालत पर चर्चा करने की मांग की, जिसे सभी पार्टियां भी सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेटस को ऑपरेटिव इम्प्लीमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग को सरकार ने मान लिया है, जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। साथ ही वन संरक्षक कानून बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजने पर बात हुई। राहुल गांधी पर जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी संसद सत्र का बहिष्कार नहीं कर रहे। 24 दिसंबर के बाद जब वो दिल्ली में होंगे तो वो संसद सत्र में भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल चुनाव की जीत पर जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि मोदी, नड्डा और अनुराग ठाकुर की हार है। साथ ही गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि गुजरात में हार की वजह लोकल लीडरशिप में कमी, जो कमियां रही उसको सुधार करना पड़ेगा, साथ ही उन कमजोरियों को खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव हारने की वजह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस अगले गुजरात चुनाव में 40% वोट शेयर लाएगी। भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियां की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार ना कामयाब रहा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद, जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस दौरान उन्होंने गुजरात पर हिमाचल दोनों पे बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी ऐसी जनता की परेशानियां हैं जो हम रखना चाहते हैं। साथ ही साथ दो वीडियो भी जारी किए हैं। क्या समझे हम, कांग्रेस वाकई धरातल पर उतर कर काम करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है, ताकि 2024 में किसी भी तरह फतेह किया जा सके। अब बिल्कुल काजोल, ये कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रही है, जिसका रुझान साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि उसको उस तरीके की हाइप नहीं मिल रही जिस तरीके से प्रधानमंत्री के किसी भी प्रोग्राम कार्यक्रम को मिलती है। दूसरी बात, जयराम रमेश ने साफ तौर पर अपने हाथ स्वीकार किए गुजरात को लेकर। हिमाचल में जिस तरीके से संगठन की मजबूती और लीडरशिप में काम किया गया, बताया जा रहा है हिमाचल में भूपेश सिंह बघेल के जो वादे थे उनके बिहाव पर हिमाचल की जनता ने उनको सपोर्ट किया, और वहां का जो वर्चस्व रहा है, जो इतिहास रहा है हिमाचल का, उसी इतिहास को दोहराया गया है कि एक बार के बाद दोबारा किसी की सरकार जल्दी रिपीट नहीं होती है। प्रधानमंत्री लगातार 10 से ज्यादा रैलियां की भारत की, और सबसे अहम बात, पांचवी वंदे भारत ट्रेन, सबसे सैनी हाई स्पीड ट्रेन जो देश की इस वक्त चल रही है, वो वंदे भारत हिमाचल ऊना से प्रधानमंत्री ने उसको दिया, तो ये सब चीजें ना काम आई। दूसरी तरफ साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वंदे भारत को लॉन्च किया गया, पांचवे फेज में दिया गया ऊना से दिल्ली के लिए, वो भी काम नहीं आया। और जयराम रमेश का ये भी कहना है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोधी की मैं गुजरात से सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वहां पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ होकर लड़ी है और कांग्रेस अकेले थी, तो ये कई सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ गुजरात में अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि जो संगठन को मजबूती मिलनी चाहिए थी, जितना संगठन मजबूत होना चाहिए था, जमीनी लेवल पर जितना काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि गुजरात में इस तरीके की हार देखने को मिली है। बिल्कुल। इसके अलावा सैयद, कुछ इम्प्लीमेंट बिल की भी बात यहाँ की गई है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की जा रही है, जो सरकार ने मान भी ली है और इसको कमेटी को भेजा भी जाएगा। इसके साथ वन संरक्षक कानून बिल भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजने पर बात हुई। राहुल गांधी पर भी जयराम रमेश जो हैं वो बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है संसद सत्र का, वो जब भारत जोड़ो यात्रा से फ्री हो जाएंगे तो वाकई भाग लेंगे और कुछ दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी स्थगित रहेगी। तो अभी आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आज 93 दिन हो चुके हैं और
संसद की बात करें कि जैसे संसद सत्र जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें किसी तरीके से ये नहीं कहा गया कि राहुल गांधी इसमें भाग नहीं लेंगे। उसमें जो बात ये कहा गया है कि जब तक 24 तारीख तक जिस तरीके से हुआ है उस तब तक भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रहेगी। 26, 27, 28 को वो फिर पार्लियामेंट में अपने हाजिरी दर्ज कराएंगे, संसद में अपनी दर्ज कराएंगे। और तीसरी सबसे अहम बात, जिन दो बिलों को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था, सरकार को कहा था, जिस तरीके से उसको माना गया है और उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी में उस बिल को भेजा गया है, तो ये कई सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ चीन की सीमा विवाद को लेकर भी, बहस को लेकर कहा गया था, जिसको भी बात करने के लिए कहा गया, क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी सत्र से पहले और ये कहा गया था कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसको लेकर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर कांग्रेस देख रही है। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से जो है हालात हुए, जिस तरीके के नतीजे आए, उसमें कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। बिल को लेकर अमेंडमेंट का था। दूसरी तरफ वहीं राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का आज प्रदर्शन दिल्ली में रहा, जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे कि साफ तौर पर कहना है किसानों का भी कि जो वादे किए थे हमने प्रधानमंत्री के जो कहने के बाद अपना धरना स्थगित किया था, आगे टाला था। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे बिल्स हैं जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सशक्त और आश्वस्त दिख रही है इस चीज को लेकर कि जो बिल के लिए उन्होंने बोला था उस बिल को सरकार ने माना है और उसको ऑन टेबल स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा गया है, जिस पर रिव्यू होने के बाद चर्चा करने की गुंजाइश नजर आ सकती है। जी ठीक है सर, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। श्रावस्ती में मोबाइल चोरी के आरोप में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, वहीं घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। मामले की जांच भी की जा रही है। मामला इकौना के चुचड़ी गांव का बताया जा रहा है। तो श्रावस्ती की तस्वीरें जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष होता हुआ नजर आया है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला इकौना के चुचड़ी गांव का है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वहीं पीलीभीत में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन हो गया। आपको बता दें कि 10 नवंबर को निशुल्क कैंप की शुरुआत हुई थी। शहर के 27 वार्डों में कैंप लगाया गया था। तकरीबन 1 महीने तक चले इस निशुल्क कैंप में सभी वार्डों के 6,000 लोगों ने इलाज कराया। कैंप में 5 चिकित्सकों की टीम लगाई गई थी, जिसका आज समापन किया गया है। मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है। वहीं फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने 2 लाख से ज्यादा अंतर से रघुराज सिंह शाक्या को हराया है। ऐसे में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए, उत्साह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। जो मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें डिंपल जी की बहुत भारी बहुमत से जीत हुई है। इसीलिए आज हम पूरे समाजवादी इकट्ठे होकर और मिठाई बांट रहे हैं और अब 2024 में इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ मैदान में आएंगे और समाजवादी पार्टी को पूरा बहुमत दिलाएंगे। डिंपल, आप लोगों को जानकारी है कि कल मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में नेताजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसमें आदरणीय डिंपल यादव जी 2,88,446 वोटों से भारी मतों से जीती है। उस खुशी में हम सभी समाजवादी लोग, कार्यकर्ता या तहसील किराए शिवाबाद पर मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जीत के बाद हम लोग आगामी चुनाव 2024 के लिए पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। और अब खबर उन्नाव से, जहां इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आईटी की छापेमारी से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। छापेमारी लगभग 50 घंटों से ज्यादा समय से चल रही है। वहीं इसको लेकर फैक्ट्री में आधा दर्जन से अधिक वाहनों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ की गई। फिलहाल फैक्ट्री का मेन गेट बंद है, साथ ही फैक्ट्री के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े कई लोगों के फोन स्विच ऑफ भी बताए जा रहे हैं।
उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आईटी की छापेमारी रहमान इंडस्ट्रीज शू डिवीजन में चल रही है। ये छापेमारी लगभग 50 घंटों से ज्यादा से चल रही है और अब तक खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर फैक्ट्री में आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर दिया गया, साथ ही फैक्ट्री के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े कई लोगों के फोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद अब्बास मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अब्बास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर रहमान इंडस्ट्रीज पर जो छापेमारी की जा रही है, क्या वजह है, क्या सूचना मिली थी? बिल्कुल, आपको बता दें सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर इंडस्ट्री एरिया का ही पूरा मामला है, जहाँ ये रहमान फैक्ट्री जो है ये वहाँ संचालित है। फैक्ट्री में जो काम होता है वो लगातार चल रहा था, लेबर अंदर काम कर रहे थे। अचानक जो आईटी की टीम है वो वहाँ पहुँचती है, 8 गाड़ियों से अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जो लोग होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अंदर तब पहुंचने से ही हड़कंप मच जाता है। जो आईटी की टीम है वो छापेमारी करती है, जो उनके सब बैंक अकाउंट होते हैं फैक्ट्री के, बैंक अकाउंट जो अकाउंट है, जो कंप्यूटर है वो उसके खंगालती है, उसकी जांच करती है। अब छापेमारी खत्म हो चुकी है, जो अधिकारी थे इस इंडस्ट्री के उन अधिकारियों को क्या कुछ कहना है, कुछ बयान सामने आए उनके? ये अधिकारी जो है वो जो उन लोग अधिकारी थे वहाँ जो मैनेजर था उन लोगों को वहाँ रोक दिया गया था, जो ऑफिस था उससे बाहर निकाल दिया गया था। छापेमारी जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही थी, 50 घंटे से अधिक हो गया जो अभी टीम की छापेमारी लगातार जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए अब्बास। तो नाव की तस्वीरें जहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। दरअसल रहमान इंडस्ट्री में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, जिसमें कई अधिकारी जो हैं इनकम टैक्स के वो पहुंचे और जो इंडस्ट्री के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ चली है। इस दौरान मेन गेट भी बंद रहा, लेकिन फिलहाल ये छापेमारी क्यों की गई, कैसे की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वही रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक होटल कर्मचारी को स्मैक की बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 7 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने हरिपुर कला के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया और उसे कुछ दूरी पर जाकर रोक लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसके पास स्मैक है, इसलिए वो पुलिस में पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि युवक का नाम पंकज जोशी है और वो वैदिक नगर रायवाला का रहने वाला है। पूछताछ में पंकज ने बताया कि हरिद्वार के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। रेस्टोरेंट में आने वाले साहिल नाम के व्यक्ति से वो स्मैक खरीद कर आसपास के क्षेत्रों में बेच दिया करता है। तो रायवाला की तस्वीरें जहां पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। आपको बता दें कि रायवाला थाना पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान एक होटल कर्मचारी को स्मैक की बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 7 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने हरिपुर कला के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध युवक दिखाई पड़ा, जो कि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में लगा रहा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वो उसके पास स्मैक है, इसलिए वो पुलिस के पकड़ में जाने से डर रहा था। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि युवक का नाम पंकज जोशी है और वो रायवाला का ही रहने वाला है और एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट या जंगल कैंप में यदि आप नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए और नियम पर गौर कर लीजिए। नियमों को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। पुलिस नियम तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। इस बाबत जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने चेतावनी जारी कर दी है। नवनीत भुल्लर के मुताबिक नए साल को लेकर मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कई जंगल कैंप, रिजॉर्ट और अन्य पर्यटक स्थलों पर 31 यानी कि 31st नाइट के आयोजन की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें देश विदेश के पर्यटक जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं हर साल की तरह, मगर जश्न शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए इसके लिए पुलिस ने पर्यटकों और आयोजकों के लिए कुछ नियम बना दिए हैं। सबसे पहले आयोजकों को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। आने वाले पर्यटकों का डाटा रजिस्टर में मेंटेन और आईडी लेना अनिवार्य होगा।
पर्यटकों के शराब और नशा करने पर पाबंदी रहेगी। पर्यटकों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़े करने होंगे। विदेशियों के ठहरने की सूचना फॉर्म सी के साथ पुलिस को देनी जरूरी होगी। इन नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। हालांकि देखा जाए तो हर साल 31st पे यानी कि नए साल के जश्न मनाने के लिए पहाड़ों में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शराब के नशे में या तमाम चीज़ों को लेकर जो नियम होते हैं वो नियम लोग फॉलो नहीं करते। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और जिस तरह से हमने देखा है कि 2 साल जो कोरोना काल में बीते तो नए साल का जश्न लोग उतने खुलकर नहीं मना पाए, लेकिन इस बार पाबंदियां सारी खत्म हो चुकी हैं तो ऐसे में लोग सोच रहे हैं। और अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जाने की, जश्न मनाने की, तो ज़रा गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बलरामपुर में डकैती की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया। मामले का खुलासा पुलिस टीम, एसओजी और लोकल इंटेलिजेंस ने मिलकर किया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.80 लाख सफेद मारुति कार, 1 अदद अवैध तमंचा, अन्य चीजें भी बरामद हुई। आपको बता दें कि आरोपियों पर संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे। बलरामपुर का यह पूरा मामला है जहां पर डकैती की घटना का पुलिस ने अनावरण किया यानी कि खुलासा किया। मामले का खुलासा पुलिस टीम, एसओजी और लोकल इंटेलिजेंस ने मिलकर किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 1,80,000 रुपये, सफ़ेद मारुति कार और 1 तवंचा और अन्य चीज़ें भी बरामद हुई हैं। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो सके, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षक उन्हीं से बर्तनों की झूठन धुलवाते हैं। ऐसे एक मामला संभल जिले में सामने आया है जहां स्कूली बच्चे झूठी थालियां धोते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद BSA ने जांच कर कार्रवाई की बात करी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं सरकारी स्कूलों से। कभी बच्चों का झाड़ू लगाते हुए, कभी बच्चों का शिक्षकों के काम करते हुए, कभी बच्चों का दरी बिछाते हुए, ऐसे तमाम वीडियोस की भरमार है। और एक और इसमें जुड़ गया है, संभल से ये वीडियो सामने आया जहां पर बच्चे झूठी प्लेट धोते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पढ़ाई के लिए अभिभावक बच्चों को भेजते हैं लेकिन यहाँ कुछ और ही बच्चे कर रहे होते हैं। शिक्षक उन्हीं से बर्तनों की झूठन दिलवाते हैं। ऐसा एक मामला संभल से सामने आया है जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद BSA ने जांच कर कार्रवाई की बात जरूर कही है। अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, संभल से एक वीडियो सामने आया है जो वाकई विचलित कर रहा है, क्योंकि ये देश का भविष्य नहीं होना चाहिए। अभी ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले स्कूल में भी कई मामले ऐसे आए हैं जो सभी स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चे नजर आते हैं, सभी स्कूल में बर्तन मांजते नजर आते हैं, ऐसे फिर स्कूल में बर्तन मांजते नजर आए हैं, बच्चे धोते नजर आए हैं। ये पूरा मामला जो है ये मामला है, विद्यालय का मामला है। ये यहाँ बच्चे में है सरकारी हेड कंसर्न दूसरे नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रेस में है, कुछ बच्चे पूरे मामले पर BSA क्या कह रहा है प्रदीप? BSA ने कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, जांच के बाद में कार्रवाई की जाएगी और कोई भी जो दोषी है शिक्षक वो मतलब पक्ष में जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है लगातार, हम न्यूज वाले भी लगातार सवाल उठाता रहा है, स्कूलों में बच्चे बर्तन धोते नहीं आते हैं, वीडियो वायरल होती है, कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल की तस्वीरें जहां पर स्कूल में बच्चों से प्लेटें धुलवाई जा रही हैं, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन शिक्षक इनसे प्लेटें धुलवाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।